जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आउ एक भैर एपिसोड को आपण मान स्वागत बंधु माने कहानीटी एमती जड़े शंखा बिकाड़ी संबंध में जी कि गाँ गाँ बोली शंखा बिक्री करें किंतु गोटे दिन तासह एमती किसी अघटन घटी जाए जहाँ संबंध में आपण मानक आज एक कहानी माध्यम मालूम पड़ज जहाँपर तार संपूर्ण जीवनशैली परिवर्तन हो जाए। तेबे चलतु समय को आउ बेसी नष्ट करबानी आरंभ करवा आज रही भयर एपिसोडे किंतु ता पूर्वर जदि आपण आम चैनल नुआ अच्छा एवं ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु जाफल आगत भविष्य आम चैनल माध्यम प्रसारित प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपड़ सर्वप्रथम पाइपर आउ आपण पाखे भी जदि एपरी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी थाए तेब आपण आम सह सेयार करें। आम इंस्टाग्राम आईडी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी। तेबे चलतु आरंभ करवा ये घटनाटी आज को पाखापाखि 40 वर्ष तलर कैलाश नामक जन व्यक्ति पेशारे थाए जन शंखारी प्रत्येक दिन से चूड़ी बिक्री करी ता परिवार भरण पोषण करी थाए। कैलाशर परिवार से ता स्त्री जया और छोट छोट दुईटी पिला थांती। कैलाशर दुकान कहले तार साइकेल टंगा होता गोटे झुलामणी जेउथिरे से शंखा सजाई गाँ गाँ बोली बिक्री करी थाए जेउथिरे ताको 2 पैसा आराम से मिल जाऊ थाए और सेइथिरे ही ता परिवार पेट पोषण होई थाए। 40 वर्ष तले समय किछि एमिति थाए ना तो से समय बिजुलीर कौन सी व्यवस्था थाए ना कौन सी पक्का सड़कर घंच जंगल भितर दे जाइथिबा कच्चा सड़करे लोक माने जीवास्या करि थांती। कैलाश भी सही रास्तार व्यवहार करुए गोटे जगार अन्य एक जगह को जीवापाई। एमिति गोटे दिन कथा जेतेबेले सकाल सकाल कैलाश दूसरा एक गाँव को शंखा बिका को जाए आज तापाई दिनटी बहुत भल थाए कारण बेपारे ताको आज बहुत लाभ होता है तेणु से चिंता करे जाउछि आउ गोटे दिटा गाँ बुली आसबी जेउथिरे मोर आउ 2 पैसा भल कमाणी हेबो। यह चिंता करी से दूसरा एक गाँ को चली जाए तो सेठी भी ताको बहुत सारा लाभ मिले। आउ एमिति गोटे गाँव आउ गोटे गाँ बुली बुली आसला बेलकू ताको दिनर संध्या हो जाए। एबे से चिंता करे कि आज तो मते समय ही जना पड़लानी केतेबेले दिनर आसी संध्या होई गला आज मते घरे पहुँचा को निश्चय डेरी राति होई जिवो हेले आज रातिटा जदि मो एठी रही जिवि ताले घरे समस्ते मो पाई निश्चय व्यस्त हेबे तेणु मते यथा संभव एठू बाहर जाको पड़िवो। यह चिंता करी कैलाश ता घर आड़ को बाहरी पड़े किंतु कहवा को गले से ता गाँ ठार बहुत दूर को चली आसी थाए जेउं ठारू ताको ता घरे पहुँचा को पाखापाखि प्राय 3 और 4 घंटा समय लग से कैलाश मने मने कहता है हे भगवान आज काम चकर मोर बहुत विलम्ब हो गला तेणे घरे जया और छुआ माने मोर अपेक्षार बाट चाही बसी मते जेते शीघ्र हेब घरे पहुँचा को पड़ो। कैलाशर घर बहुत दूर थाए किंतु जदि से जंगल पाख रास्तार जीव ताहले ताको सर्टकट पड़ज आउ से खूब शीघ्र घरे जाई पहुँचीज तेणु यह चिंता करी कैलाश ता साइकल मोड़ से जंगल रास्ता आड़ को बढ़ाए आउ से जंगल रास्तार आगक जावाक लगे। एबे कैलाश धीरे धीरे से रास्तार आग बढ़िया लगी थाए किंतु साइकेल लदा होता भारी जिनस थकाहालिया लगुए तो से मझे मझे साइकेल अटकाई टिके आराम करुए आउ तापर पुणी आग को बढ़ी जाऊ थाए। एबे कैलाश से जंगल भितर आग बढ़िया लगी थाए कि अचानक ताको जंगल भितर एक अजब प्रकार आवाज सुना जाए। धीरे धीरे से आवाज क्रमशः बढ़िया लगी थाए तो ताको मने हुए निश्चय जंगल भितर किछि गोटे बहुत बड़ गड़बड़ी अछि केही तो एठी ता छड़ा उपस्थित अछि जे कि एपरि भयानक आवाज बाहर करुछि एपरि कि ताको एक अजीब टाइप रो दुर्गंध मन्द अनुभव होता है तो से चिंता करे बोधे दुर्गंध जंगल भितर पचि सड़ी जाइथिबा पत्र अथवा जमी जाइथिबा पानी रो बाहरु थिबो आउ ए आवाज हुए से पानी निकटस्थ रातिचर जीव मान तो कैलाश एसबू को अणदेखा कर आग बढ़िया लगे। कि दूर सेठू आग को जीवापर अचानक से पुणी थर अनुभव करे कहीं तो गछ पर निश्चय अच्छी बोधे कौन से पक्षी होता तो से मुंड उठाई ऊपर को जाए तो से देखा को पाए किसी तो गोटे आखे पिछड़ा के ए गछ उड़े से गछ को चली जा। कैलाशर छाती चमक पशि जाए किंतु से जहा किछि भी अनुभव करे ताहा कौन से पक्षी न थाए बरम आउ कही थाए जे कि गोटे गछरु अन्य एक गछ को लंब प्रदान करुथाए। वास्तव से गोटे लंबा केश थिबा भयानक चेहरार स्त्री लोक थाए जहार मुह चंद्रमार हल्का किरण रे स्पष्ट भाव नजर आसुए। यह देखि कैलाश संपूर्ण रूपे डरी जाए कारण कौन से स्त्री लोक एमती ए गचर से गच को डेइबा कौन से साधारण कथा न थाए तो निश्चय ये कौन से गोटे चिरुगुणी होइथिबो। यह चिंता करी भयरे कैलाशर देह पूरा उदा हो जाए किंतु कैलाश दंभर सता डर को काबूरे रखी बड़ बड़ पाद पकई आगू बढ़िया लगे। यह चिंता करी ये जंगलटा किपर जल्दी पार हो जाओ आ मुई चिरुगुणी हाबड़र मुकुली जाए। कैलाश खूब स्पीड रे साइकल पेडाल मारिया को लगे आ जोरसोर आग बढ़िया लगे कि केमिति से यथाशीघ्र जंगलटा को पार कर चिरुगुणी हाबड़र मुक्ति पाई। एबे कैलाश को आसे चिरुगुणी नजर आसुन थाए ना कौन से गछर शाखा प्रशाखा भी हलचल होताए। पूरा परिवेश एकदम निष्पत थाए तो कैलाश को लगे बोधे ए सब ता मनर भ्रम होइथिबो परंतु सेतबेल को कैलाश पूरा हालिया हो सारी थाए ता गोड़ आउ ता बोल मान न थाए। एबे कैलाश को संपूर्ण विश्रामर आवश्यकता थाए किंतु अचानक ताको अनुभव हुए जेमे ता साइकेल हठात भारी होई गला। हेले यह केमिति संभव मु होयता बोधे थकी जाइछि सेइथिपाई मते एमिति अनुभव हेउछि तो से अटकी जाए आउ टे विश्राम ना कथा चिंता करे। कैलाश साइकेल पाद थापिता मुहर झाड़ पोछी होता है कि पछ पाखर कहार निश्वास मारिवार आवाज शुणा जाए। कैलाश स्तब्ध हो जाए कारण ताको प्रॉपर अनुभव होता है जेमिता साइकेल पछ पाखरे केही जण बसी भयरे कैलाशर देहरु गमगम झाड़ बारिया को लगे आउ से धीर भाव में पछ बुली जाए किंतु ताको ता पछ पाखरे सेमिति केही भी नजर आसंती नहीं। कैलाश सेतबेलको भयर पूरा थरहर हो सारी थाए तो ताको भय कारण उभय झाड़ा परिस्रा एक संगे लगुए तो कैलाश परिस्रा करने पाखर एक पोदामूल को चली जाए। जेतेबेले कैलाश ता काम सरी पुणी ता साइकेल पाखु प्रत्यावर्तन करे तो ता पाद सेठ अटकी जाए और भयरे तार संपूर्ण शरीर पूरा कंपन हो उठे कारण ता आखि सामने से लंबा केश वाला चिरुगुणी ता साइकेल ऊपर बसी थाए। से चिरुगुणी देखा को काफी भयानक नजर आसुए तार संपूर्ण चेहरा काफी अजीब कला रंगर थाए और से कैलाश आड़े देखी काफी जोर से हसिया को लगे और ता जीभ बाहर कर कैलाश को ताड़ को डाकिया को लगुए। यह देखी कैलाश बुझी सारी थाए ये निश्चय गोटे नरभक्षी चिरुगुणी जे कि मनुष्यर मांस झुणी झुणिकी खाई थाए आउ जदि समय पूर्वर मु एठू चली न जाए तो ये निश्चय आज मो जीवन नहीं जीव तेणु मते जेते जल्दी हेबा एठू चली जावाकू पड़िबो नहले मते खंजा खाई जीवो। यह चिंता करी कैलाश काफी स्पीड रे ता गाड़ को दौड़िया को लगे किंतु ता पछे पछे से चिरुगुणी भी तार पीछा करिया लागि थाए। से चिरुगुणी ता पछरे दौड़िया समय बहुत भयानक विकटाड़ नजर आसुए परंतु कैलाश भी जोरसोर हनुमान चालीसा जप करी करी आगो दौड़िया लागि थाए। एमिति दौड़ी दौड़ी शेषरे से आसी गाँ पाखरे पहुंची जाए सेतेबेले से चिरुगुणी एक जोर से पाटी करी कैलाश को कहे अबे रह मते जोर से भोक लागिलाणी। यह कही से चिरगुणी पवन रे गए गायब हो जाए। कैलाश से पर्यंत भी दौड़ा लगी थाए। आ दौड़ी दौड़ी शेष से जाए गाँमुंड हनुमान मंदिर पाखे पहुँची जाए। सेठी बेहोश हो जाए। तापरे तापर दिन सकाळे जेतेले तार होश आसे से निजक मंदिर प्रांतर भितर पाए। आ तो चारि पाखरे बहुत सारा लोक रुंड होई थांती। आ समस्ते ताको केवल गोटे कथा पचार थांती कि तोर हेछि कोन, आ तू एठी एमिति सोइछु कोन पाई। देख सियाडे सारा राति तो स्त्री और तो पिला छुआ तोते न पाई सेमानकर अवस्था कोन होइछि। हो चल एबे कह तोर हेछि कोन। तापरे कैलाश गाँ बालों को सब कथा गोटी गोटी करी कहे। तो समस्ते ता कथा शुणी अचंबित हो जाती। आउ कहती कि तो भाग्य बहुत बड़। आज तू तो मरण मुहर चली आसीचु, नहले तोर कौन जो होता ताहा तो केबे कल्पना भी करि पान थांतु। सब से कालियार लीला। तापरे कैलाश भगवान को धन्यवाद दिए। आउ तापरे ता स्त्री और किसी गाँ बाला समिसी से जगह को जाए जोटी काली रात्रि से चिरगुणी को देखी थी। किंतु दुर्भाग्यर कथा सेठाकार दृश्य से कल्पना बाहर थाए। कैलाशर सैकेल खंड विखंडित हो एणे तेणे पड़ थाए और ता चूड़ी सब भांगी रोजी इाड़े सियाड़े फिंगा फोपड़ा होता है। यह सब देखी से चिंता करती कि निश्चय से चिरगुणीर काम हो। तापरे कैलाश मनस्थ करे कि से आउ केबे भी से जंगल रास्ता दे जीवा आसा करिवो नाही। तापरे से माने घर को चली आसती। किंतु से दिन से घटना कैलाशर संपूर्ण जीवन शैली को परिवर्तन कर दिए। परंतु भगवान को आशीर्वाद रु आज कैलाश जीवित अछि। तेबे दर्शक बंधु ये तो थी आज कहानी जहाँ को आम सह सेयार करते विपिन भाई। जदि आज कहानी आपण पसंद आसी थाए तेबे भिडियोटी गोटे लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करने एवं कमेंट माध्यम आपण मान मतामत आमको निश्चय जनाइबे, जहा फल आगत भविष्य में आम चैनल माध्यम प्रसारित प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइपे। तेबे आज विदाय दिंतु। पुणी देखा आउ एक भयर एपिसोड्रे एमती आउ एक भयंकर कहानी सह। सेते पर्यंत जय जगन्नाथ।